दिल्ली नगर निगम की वार्ड कमेटी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 जोन में अपना प्रत्याशी उतारा है। आम आदमी पार्टी ने 11 जोन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के साथ ही अस्थायी समिति के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और नेता सदन मुकेश गोयल मौजूद थे। मुकेश गोयल ने दावा किया कि 11 जोन के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत होगी। 11 जोनों के अंदर हमने नॉमिनेशन किया, वार्ड नहीं, जोन। 11 जोनों के अंदर हमने नॉमिनेशन किया। केशवपुरम जोन के अंदर हमारी संख्या कम थी, इसलिए हमने वहाँ पर नॉमिनेशन नहीं किया। बाकी 11 जोनल कमेटियों में हमने नॉमिनेशन कराए, चेयरमैन के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए। कितनी उम्मीद है सर, जिस तरीके से हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा जोन हम जीतेंगे, हमारे चेयरमैन भी बनेंगे, हमारे डिप्टी चेयरमैन भी बनेंगे और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे।